हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों का कि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं और प्यार दे रहे हैं, और पिछले 2-3 महीनों में बहुत अच्छा प्यार दिया है और काफी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, और आप वीडियोस को शेयर भी कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ आप सभी का। और एक और भी खबर मेरे पास आई है कि मसीह लोगों को चर्च जाने से रोका जा रहा है और रोड पर ही उनको रोका जा रहा है। बहुत ये बुरी बात है। संविधान के अंदर क्लियर लिखा हुआ है, और मैं थक गया हूं सच बताऊं तो वीडियो बना बना के एक ही बात को बार बार बोल के, कि संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान है ना, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अपने स्तुति आराधना कर सकता है, परमेश्वर की अपनी प्रेयर कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, और हर धर्म को अपने परमेश्वर को मानने की और उसका प्रचार करने की आजादी है। लेकिन मसीह लोगों को जो माइनॉरिटी में जो थोड़े यहां पर, उनके ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं और रोक रहे हैं, तो बहुत ही दुख की बात है। और ये इस बात को दिखा रहा है कि न्याय जो है वो नहीं हो रहा है ना। और जिस देश के अंदर न्याय, आप इतिहास को पढ़ लो कि जब न्याय नहीं होता तो वहां पर जो है फिर जो शासक है उसका फिर स्थिर रहना, या फिर उसके लिए परमेश्वर जो है फिर न्याय करता है ना। जब शासक न्याय नहीं करेंगे तो परमेश्वर न्याय करेगा। तो परमेश्वर के हाथों में हम सौंपते हैं इस सारी विषय को। उस वीडियो को देखिए कि कैसे मसीह लोगों को चर्च जाने से रोका जा रहा है ना, जो वो बता रहे हैं वीडियो के अंदर के काफी सालों से वो चर्च जा रहे हैं, लेकिन अब उन पर रोक टोक शुरू कर दी है, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग जाएंगे, प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर काम करेगा, कुछ ना कुछ इनके द्वारा होगा। तो अब इनको चर्च जाने से रोकने के नए नए बहाने लगा रहे हैं। बाइबल बताती है कि वो घर घर इकट्ठे होते थे, प्रार्थना करते थे, रोटी तोड़ते थे, संगति करते थे, प्रेरितों से शिक्षा लेते थे। तो मेरे अजीजो मसीह भाई बहनों, ये समय आ चुका है कि हम घर घर के अंदर प्रार्थना शुरू कर दें रोज। आप संडे को ऐसा स्पेशल ना ट्रीट करें कि संडे स्पेशल ही, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हो तो वो डेली के लिए हो, कोई संडे के लिए नहीं हो। आपके योर रिलेशनशिप विद गॉड इज नॉट फॉर संडे ओनली, ना सिर्फ संडे के लिए नहीं आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ। एवरी डे, हर दिन आप परमेश्वर के साथ उसके बेटे और बेटियां, और हर दिन आप उससे बात करें, हर दिन आप उसकी हुजूरी में जाएं, हर दिन प्रभु पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। तो मैं चाहता हूं कि अगर ऐसे हालात बन रहे हैं, बाइबल तो ये भी बताती है कि एक दिन क्या किया जाएगा कि बाइबलें भी उठा ली जाएंगी, है ना। तो आप क्या करो, वचन ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा संगति करो, मसीह लोगों के साथ जुड़ो, और परमेश्वर का एक दूसरे से प्रेम रखो। तो हम इन चीजों के ऊपर फोकस करें, और ये जो रोका जा रहा है, हो सकता है कि बाइबलें भी एक दिन ना मिले हमें। आज चर्च जाने से रोका जा रहा है, कल हमारे पास बाइबल भी ना हो तो अब क्या करेंगे। तो इसलिए आप लोग क्या करें कि रोज संगति करें और परमेश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते के अंदर आ जाएं, और परमेश्वर के साथ जुड़े, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे, पवित्र आत्मा के साथ चलें, और प्रभु की अगुवाई में चलने का समय आ चुका है मेरे जीजों, है ना। चर्च बिल्डिंग के ऊपर ताले लग रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा की हो सकता है ये योजना हो कि वो चाहता है कि हम सब क्या करें, पवित्र आत्मा के संपर्क में आ जाएं। सो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीष दे। इस वीडियो को देखें, शेयर करें कि कैसे मसीह लोगों को चर्च जाने से रोका जा रहा है। और आप हमारे साथ नहीं जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियो आप तक मिलती रहे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। रोड बागडोगरा में, जहाँ की बीएच रोड के मोड़ से करीबन 500 मीटर भी नहीं होंगे, जहाँ पर पैदल जाने के बाद में आपको मिलती है बागडोगरा गुड शेपर्ड चर्च। और एक घंटा से ज्यादा हो गया हम लोग यहाँ खड़ा है, अभी तक इन लोग नहीं खोले हैं। संडे मास का टाइमिंग क्या है? हम लोग का 8 बजे है आज, इंग्लिश मास 8 बजे है और हिंदी मास 6:30 को होता है। आज ही रोका गया है या इससे पहले भी आप लोगों को रोका गया? पहले रोका गया है, लास्ट संडे रोका है। जैसे चर्च का ये अनाउंस हुआ कि खुलने का, ये अभी चर्च खुल गया, बोला तब से बंद कर दिया। आप लोगों के बारे में और हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि नोटिस मिला है नहीं मिला है। हम आम पब्लिक है, हमेशा की तरह हम आज चर्च आए हैं, ना केवल आज आए हैं बल्कि हम 50-53 साल से हम इसी रोड को इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज हम लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, आज हमें चर्च से वंचित किया जा रहा है। ये हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात। सो गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई नई वीडियोस आपको मिलती रहे। आप सब लोगों को जय मसीह।